रामायण में दो द्वंद्व हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। दो द्वंद्व हैं। महाराज अयोध्या के राजा कौन है? अरे बोलिए, दशरथ। लेकिन राजा दशरथ हैं, लेकिन राम जी जिनको मारने आए वो है दशमुख। देखो कितना अद्भुत द्वंद्व है। राम जी जहां प्रकट भय वो दशरथ हैं, लेकिन राम जी जिनको मारने आए वो दशमुख है। दशरथ का मतलब इंद्रिय, इंद्रियों में आंख। कान दिए सुनबे को सत्संग, कान इसलिए नहीं दिए कि तुम लीड लगाओ ढिसको सुनो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। अच्छा जीभ क्यों दी? गाली बकने। कुछ लोग इतनी गाली बकते हैं गुजराती में, राम जी बचाए। तो जीभ किस लिए दी? गाली बकने को। अरे ना ना ना, जीभ दई भज मोहन को, नयन देखे केवल मूर्ति सरकार की, चरण दिए तीर्थ घूमन को। आंखें, अखियां, अखियां हरि दर्शन की प्यास। आंखें किस लिए? भगवान के दर्शन की। कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने को। जीभ किस लिए? भगवान के भजन के लिए। एक संत कहते थे, दादा एक संत कहते थे, तुम देखो तो औरों को, तुम्हें देखें तो औरों को फिर किन आंखों से देखें, तुम्हें देखें तो औरों को फिर किन आंखों से देखें, ये आंखें ही फूट गई इन जो आंखों को देखें। परमात्मा को कोई देख ले, एक बार राम जी को कोई देख ले, तो क्या फिर वो उसे दुनिया, हम आपसे पूछते हैं तुम्हें खूब दबाकर 1.5 किलो मिठाई खिला दी जाए, फिर चाय तुम्हें मीठी लगेगी? दो मिठाई के टुकड़ा के बाद चाय मीठी भी फीकी लगती है, हाँ जी या ना जी? तो मीठी चाय भी मिठाई खाने के बाद फीकी लगती है, उसी प्रकार ये आंखें परमात्मा को देखने के बाद ये दुनिया लगने लगती है, यार ये तो सब बेकार है, रेयर मटेरियल है। असली कौन? अखियां हरि दर्शन की प्यास। तो कान किस लिए भगवान ने दिया? कथा सुन। आंखें किस लिए? संतों का दर्शन करने। एक बात और, भगवान प्रकट हुए संयमी के यहां, दशरथ जी संयमी है, संयम के यहां परमात्मा प्रकट भय असंयमित व्यक्ति का वध करने के लिए। रावण ठीक नहीं है, असंयम का शिकार है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी का नाम दशरथ है, रावण का नाम दशमुख है। दशरथ जी वो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपना रथ बना लिया, और दशमुख वो जिसने सभी इंद्रियों को अपना मुख बना लिया, खाए और पड़ा रहे, खाए पिए ऐस करे। अंग्रेजी की एक कहावत है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐस करो। जो केवल इतना करते वो हैं दशमुख, लीजिए। जो केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो इसमें जी रहे वो दशमुख हैं, और जो अपनी आंखों से भगवान के संतों का दर्शन कर रहे, कानों से कथा सुन रहे, वो दशरथ हैं। अच्छा देखो, चारवाक का एक सिद्धांत है, चारवाक, भारत के एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए चारवाक। चारवाक का सिद्धांत हमारे दादा गुरु जी बताते थे, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चारवाक कहते हैं, जब तक जियो सुखमय जियो, लोन लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। ये दशमुख के लक्षण है, ये दशमुख है। एक संत के दादा, अपने भारत के एक बहुत अच्छे कवि हुए दादा हाथरसी, काका
काका हाथरसी, काका हाथरसी बहुत बड़े कवि हुए। अब वो लिखते थे, कहें काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, कहें काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही है कर्जा लेकर मर जा। कहें कहें काका कविराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है कर्जा लेकर मर जा। ऐसी लोग जय सियाराम। तो ये अंग्रेजी का जो सिद्धांत है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, यही रावण ने पाला, यही रावण ने। अच्छा, सबके तो एक मुख है, इसके तो दस दस। एक बार हम बैठे बैठे सोच रहे थे, है तो विनोद की बात, रियल नहीं है पर विनोद की बात है, इसे माइंड में मत लेना। एक दिन हमारा सिर दर्द हो रहा था, बहुत पुरानी बात है, हमने कहा भाई टेबलेट लाओ। एक गोली लेकर आए सज्जन, और भगवान जाने नाम तो हमें पता नहीं, हरी गोली थी, गोली हमने ली, उसमें गिनती की तो 10 गोली पूरा पैकेट में, वो पत्ता पत्ता में। हमने कहा ये 10 गोली ही पैक क्यों हो रही, 5 होती 3 होती। लेकिन बाद में हमें ख्याल आया कि कभी रावण का सिर दर्द हुआ होगा, एक से होना क्या उसका, तो उसके हिसाब से ही पैकिंग शुरू। तो रावण का सिद्धांत क्या, 10 मुख कौन, जो अपनी इंद्रियों को 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया इनको भोग का बना ले वो 10 मुख, और जो अपनी इंद्रियों को योग का बना ले वो 10 रथ। इसमें दूसरी बात इसमें बहुत सीधी सी ये है कि जिंदगी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये नरक की जिंदगी। जिंदगी में भोजन के लिए मत जियो, जीने के लिए भोजन लो। कुछ लोग इतना खाते हैं कि खाते ही खाते सुबह खाते, शाम खाते, दिन में भी खाते, कितना खाते, इतना खाते कि कितना खाते बताइए भाई। लेकिन एक संत से हमने कहा कि भाई ये बहुत लोग बहुत खाते हैं, बोले वो व्यक्ति भी उतना ही खाता जिसका जितना बड़ा खाता। लेकिन हम इंग्लैंड के लोगों से कहेंगे इसलिए मत जियो कि खाने के लिए जियो, जीने के लिए खाओ। यह जिंदगी भक्ति के बिना बेकार है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी अगर जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो जिंदगी आपको प्राप्त हुई तो खाने के लिए नहीं, हमारी राम कथा कहती है परमात्मा को पाने के लिए। किसको बोलिए, अरे जोर से बोलिए भाई, खाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए हमको जिंदगी मिली है। और कुछ लोग ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में ही काम निकाल देते, खाए पिए और मर गए, बोले क्या, बोले राम नाम सत्य। ऐसे लोगों का कोई काम है, ऐसे लोगों की जिंदगी नहीं, बेकार जिंदगी। तो 10 मुख 10 सिर से खा रहा, इसलिए उसको मारने के लिए परमात्मा प्रकट कहां, अवधेपुरी रघुकुल मनी राहू, अयोध्या में राम जी प्रकट भए।